Welcome back to students. Today we will start the next chapter of your syllabus, that is the molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance, jo chapter hum already study kar chuke, that is the principle of inheritance and variation, usi ko ye aage proceed karne wala part hai, usi ki concept ko yahan pe hum thoda aur detail mein study karenge. To jo molecular basis of inheritance hai, isme sabse pehle hame kon kon se topic है जो स्टडी करने हैं. पूरे चैप्टर को 10 स्टेप्स के अंदर या 10 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है. वो 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है क्योंकि इसमें हमें काफी सारे जो अपने डाउट्स हैं उसके आंसर मिल जाएंगे. तो पहला जो इसका पार्ट है वो है द डीएनए. डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. सेकेंड, सर्च ऑफ जेनेटिक मेटीरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसकी सर्च कब स्टार्ट हुई थी, कब जाके कंप्लीट हो पाई. आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की क्या इंपोर्टेंस है. आरएनए पहले आया था डीएनए, उसके बाद रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन, डीएनए अपने आप को कैसे डबल करता है. ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है. जेनेटिक कोड, आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे आगे जाके यूज होती है, किस फॉर्म में यूज होती है, उसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं. उस एमआरएनए से फिर आगे जाके ट्रांसलेशन होती है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो डीएनए है, डीएनए सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं उसको हम जीन बोलते हैं. एक जीन कब ऑफ होगा, कब ऑन होगा, कौन रेगुलेट करता है इस चीज को. नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जीनोम का मतलब होता है अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे हमारे केस में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, एक फादर से आता है एक मदर से आता है. तो जो फादर का सेट है वो एक जीनोम है, मदर से आने वाला जो क्रोमोसोम सेट है वो दूसरा जीनोम है. तो एक पर्टिकुलर जीनोम के ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं. एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मींस सभी इंडिविजुअल्स का डीएनए 99.9% मैच करता है, लेकिन 0.1% की जो डिसिमिलैरिटी है उसके बेस पे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. तो इन 10 टॉपिक्स के रिगार्ड में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करेंगे. सबसे पहले चैप्टर की जो टाइटल है, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. रिमाइंड करिए, लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. मींस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब वो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, कौन से प्रिंसिपल जो डिसाइड करते हैं. तो मेंडल ने काफी सारे लॉज और प्रिंसिपल्स बताए थे. और वेरिएशन कैसे आती है, टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वहां से हमें पता चल जाता है कि वेरिएशन कहां से आती है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है. तो वो सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं. अगर लास्ट चैप्टर में जो भी हमने स्टडी किया है उसको अगर आप रिमाइंड करें, तो क्या कहीं पे ये बताया गया है कि जो जीन है या क्रोमोसोम है, या मेंडल की ही बात करें तो मेंडल ने तो फैक्टर बताया था कि जो फैक्टर है वो कैरेक्टर्स को आगे लेके जाता है. क्या उस फैक्टर की केमिकल कंपोजिशन बताई गई थी कि वो किस केमिकल का बना हुआ है, नहीं बताया गया था. उसके बाद टीएच मॉर्गन ने बताया कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट जीन है वही आगे ट्रांसमिट होते हैं. लेकिन कहीं पे भी हमने केमिकल कंपोजिशन की बात नहीं की कि वो केमिकल कौन सा है जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है. तो वहां पे हम सिर्फ फिजिकल बेसिस की बात करते रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर बेसिस, मतलब कौन सा मोलिक्यूल है सेल का जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है. इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है. मींस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन तो होता है, क्लियर है बात, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल ये करता है, क्योंकि हमारी सेल के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, लेकिन कौन सा केमिकल है जो कैरेक्टर को आगे लेके जाता है. तो यहां पे हमें उसी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअल में पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट करता है. सो दैट्स व्हाई द टाइटल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चलें
मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने बताए थे फैक्टर्स, कि जो फैक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स की जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नेचर, वो नहीं बताई गई थी। केमिकल नेचर ये नहीं बताई गई थी कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, यहां तक कि उन्होंने तो उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस की रिगार्ड में भी कुछ नहीं बताया था जो हमने उसके ड्रॉबैक में स्टडी किया था। तो जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमें दो चीजें तो पता चली, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कि जो कैरेक्टर्स है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, ये हमें पता चल गया। सेकेंड थिंग, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के साथ में जेनेटिक बेसिस ऑफ पैटर्न, जेनेटिक बेसिस ऑफ पैटर्न मतलब ये भी पता चल गया कि इस पैटर्न के पीछे जीन्स या क्रोमोसोम काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो फैक्टर्स हैं जो मेंडल ने बताए थे उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो काफी सारी जो डिस्कवरीज कैरी आउट की गई और उन डिस्कवरीज से पता चला कि जो मॉलिक्यूल कैरेक्टर्स को पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जाता है दैट इज द डीएनए, कि डीएनए है जो कैरेक्टर्स को पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक मेटीरियल। यहाँ पे ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को भी हम डिस्कस करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, इसके कॉन्सेप्ट आएगी कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। फिलहाल सिर्फ आप यही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो मटेरियल है जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जा सकता है, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। तो जो फाइंडिंग्स थी उससे पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि यही कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाता है। सेकेंड थिंग, ये जेनेटिक मटेरियल है लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन अब एक्सेप्शन कौन से बच गए? एक्सेप्शन में बच गए सम वायरसेस। जो वायरसेस है वो डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट नहीं करते, उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ऐसे कौन कौन से वायरसेस है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? जैसे एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है, ये आरएनए को कंसिस्ट करने वाला वायरस होता है। इसके अलावा टीएमवी दैट इज द टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ये प्लांट वायरस होता है टोबैको मोजेक वायरस, ये इसके अंदर भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा पोलियो वायरस, इसके अंदर भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि वायरस को अगर हटा ही दिया जाए लिविंग सिस्टम से, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए, यानी कि बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग तक, सभी के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए और एक और मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए से मैच करता है, वो होता है आरएनए। जो 11th क्लास है उसमें हम स्टडी कर चुके थे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट होते हैं डीएनए एंड आरएनए, मींस दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए टाइप में। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि डीएनए और आरएनए कि मेन फंक्शंस क्या है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, That is a polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides, or you can say deoxynucleotides.
न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है इसके दो टाइप बनते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इसका मेन फंक्शन क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए की, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यही मेन रोल यहां पे डीएनए परफॉर्म करता है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए कितने कौन सा रोल प्ले करता है, तो आरएनए के केस में काफी सारे हमें रोल देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट जो इसका रोल है वो है एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑफ द वायरसेस। कुछ वायरसेस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, लेकिन इसके अलावा जो आरएनए है वो काफी सारे रोल प्ले करता है। जैसे इट ऑल्सो एक्सेस मैसेंजर मैसेंजर मॉलिक्यूल, दैट इज एमआरएनए। ये मैसेंजर का काम भी करता है, मींस डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर से इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लाने का जो काम होता है वो मैसेंजर आरएनए का होता है। मींस वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके साइटोप्लाज्म में आता है और उसी की इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनती है। तो आरएनए मैसेंजर का काम करता है, यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को बाहर लेके आता है। इसके अलावा इट एक्ट्स एज एन एडेप्टर एडेप्टर मॉलिक्यूल, ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। एडेप्टर जैसे मोबाइल का जो चार्जर होता है, एक साइड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, दूसरा हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो एक आरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये सभी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। टीआरएनए की बात करें तो उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वो एक साइड से एमआरएनए जो मैसेज लेके आता है उसको रीड करता है और दूसरी साइड में उस मैसेज के बेस पे एमिनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर सकता है आरएनए। इसके अलावा इट कैन एक्सेस या इट ऑल्सो एक्सेस एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का काम भी आरएनए कर सकता है, लाइक आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है सेल की, उसको बनाने में भी आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहां पे आरएनए को बनाने में जब ये रोल प्ले करता है तो ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इसके अलावा आरएनए एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंजाइम, दैट इज राइबोसाइम। ये आरएनए जो होता है उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है, ये रिएक्शन को कैटलाइज भी कर सकता है। इसके कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आगे जाके हम चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो कि आरआरएनए का ही टाइप होता है। आरआरएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। तो यहां पे देखा जाए तो डीएनए तो बेसिकली एक ही काम कर रहा है, वो क्या है कि वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, मींस पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जाता है, जबकि आरएनए वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के फंक्शन के अलावा ये मैसेंजर मॉलिक्यूल का काम कर सकता है, मींस जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको सेल के साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। सेकंड एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है,
मींस एक साइड पे एमआरएनए के जितने भी सीक्वेंस है उनको रीड करता है और उसके बेस पे एमिनो एसिड को डिसाइड करता है। तीसरा ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का रोल प्ले करता है, मींस आरआरएनए जो टाइप है आरएनए का वो राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी होता है। एंजाइम आरआरएनए का ही एक मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, तो वहां पे ये एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आरएनए जनरली परफॉर्म करता है। ये काफी ब्रीफ एक कंपैरिजन है, स्टार्टिंग पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा द डीएनए। डीएनए अब क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके रिगार्ड में अब स्टडी करते हैं। डीएनए इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और मोस्ट एप्रोप्रिएटली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, या ये इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी एक चेन होती है, चेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीमर, मींस जहां पे एक यूनिट बार बार रिपीट करके एक बड़ी चेन बना देती है, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का, या सिंपली हम इसको न्यूक्लियोटाइड भी बोल देते हैं। जो डीएनए ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन से या किसी जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। सो दैट इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसका जब स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये काफी बड़ा भी होता है और ये काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी एमिनो एसिड के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये लार्जेस्ट भी है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी है। सेकेंड थिंग आती है लेंथ ऑफ द डीएनए। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ डीएनए दैट डिपेंड्स अपॉन, लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर सिंगल स्टैंडर्ड अगर कोई डीएनए है तब तो ये एप्रोप्रिएट है कि हम न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर लेंगे, बता देंगे कि लेंथ कितनी हो सकती है। लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स denotes a base pair, that is BP, base pair। या तो न्यूक्लियोटाइड को काउंट करें, या क्योंकि डीएनए ज्यादातर केसेस में डबल स्टैंडर्ड होता है, तो जैसे मान लो डीएनए है, या तो हम इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड को काउंट करें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, तो उससे हम डीएनए की लेंथ बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादातर केसेस में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो यहां पे हम न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर है उसको काउंट कर देते हैं, एक पेयर को एक बेस पेयर बोला जाता है। तो जो डीएनए की लेंथ है, लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द डीएनए। तो डीएनए के अंदर उसकी कितने बेस पेयर्स है या कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो डिसाइड करते हैं लेंथ को। So length of DNA depends upon the number of nucleotides or base pairs present in it। कितने base pair या कितने nucleotides इसमें present है उसके ऊपर depend करती है इसकी length। और जो length होती है DNA की that is specific to each organism। ये specific होती है हर organism के अंदर DNA की जो length है वो vary करती है। Length of DNA is specific टू ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के लिए डीएनए की जो लेंथ है वो स्पेसिफिक होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम कह सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज
bacteriophage, that is 5174, that has 5386 nucleotides. ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, इसका नाम है 5 × 174, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है 5386, यानी कि यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज किया है, मींस जो 5174 होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड का डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं दैट इज 48,502 बेस पेयर्स. बेस पेयर्स मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कंसिस्ट करता है और इसके अंदर बेस पेयर्स का जो नंबर है वो 48,502 होता है. तो इतने सारे बेस पेयर होते हैं तो लेंथ इसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी होती है. इसी तरीके से एस्चेर्चिया कोलाई, एस्चेर्चिया कोलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बेस पेयर है उसका नंबर होता है 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स. इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी मिलियन बेस पेयर्स में इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स पेयर है वो प्रेजेंट होते हैं, तो लेंथ काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू वायरसेस. इसी तरीके से ह्यूमन जीनोम सेट, ह्यूमन जीनोम यानी कि यहां पे हैप्लोइड कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स के अंदर का जो डीएनए, 23 क्रोमोसोम मतलब 23 डीएनए, उनको निकाल के एक साथ जोड़ दिया जाए तो 23 क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, तो उसमें बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं 3.3 × 10^9 बेस पेयर्स. तो काफी ज्यादा बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे एक सिंगल जीनोम में, क्योंकि हमारी सेल तो डिप्लोइड होती है और डिप्लोइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल होता है, तो डीएनए भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो अगर डिप्लोइड सेट की हम बात करें तो डिप्लोइड सेट के अंदर हो जाएगा, डबल कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 6.6 × 10^9 बेस पेयर. तो इतने सारे बेस पेयर हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर डीएनए की लेंथ स्पेसिफिक होती है, सबके अंदर अलग अलग तरह के बेस पेयर्स का जो नंबर है वो प्रेजेंट होता है. हमारे केस में एक सिंगल सेट के अंदर इतने बेस पेयर होते हैं, क्योंकि दो सेट होते हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 6.6 × 10^9 बेस पेयर हमारे एक डिप्लोइड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया लेंथ ऑफ द डीएनए. जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे.